हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग DPT रिमूव कर रहे हैं, उसका टेस्टिंग एंड कमिश्निंग कर रहे हैं। इसको रिमूव करके देखेंगे इसका ट्रबल शूटिंग कैसे होगा। इसका हमारा वैल्यू BMS सिस्टम है HU का, और DPT काफ़ी एक्सेस दिखा रही है, एक्सीड कर रही है लिमिटेड से। इसीलिए हम इसको ट्रबल शूट करके इसको रेक्टिफाई करके देखेंगे, और अगर रेक्टिफिकेशन नहीं हुई तो इसको रिमूव करेंगे। ये देखिए हमारी सेट्रा कंपनी की DPT सेंसर है, जो हमारी सप्लाई लाइन में होती है, सप्लाई डक्ट में इंस्टॉल रहती है। हमारे एक फ्रेंड इसको अभी ट्रबल शूट कर रहे हैं। देखिए हम अभी ये जो सेट्रा कंपनी के जो DPT सेंसर है, इसको अभी हम इस डक्ट से रिमूव कर रहे हैं। इसको दूसरे HU में इंस्टॉल करके हम देखेंगे उसमें काम कर रही है या नहीं कर रही है, और चेकिंग करेंगे हम इसका, टेस्टिंग करेंगे। इसके बगल में जो है ऊपर में ये फायर का डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर। फायर जब आती है तो इसको सिग्नल भेजती है, कमांड भेजती है इसमें HU में, और HU हमारा स्टॉप हो जाता है। देखिए अभी हम इस डक्ट से DPT सेंसर को रिमूव कर लिया है, इसका भी हम देखेंगे क्लीननेस करके, और इसका टर्मिनेशन वगैरह चेक करेंगे, और अगर पॉसिबल होगा तो इसको रेक्टिफाई करेंगे। ऐसा कवर है DPT सेंसर का, अगर लो लो में हम लगाते हैं, लो और हाई दो पॉइंट जो इसमें है, इसमें दो हमारी हुज रहती है, हुज पाइप ये कनेक्टेड रहती है, और लो लेवल में और हाई लेवल में ये हमें इसका लिमिट बताता है मॉनिटर पे, जो हम BMS सिस्टम में देखते हैं। हुज को रिमूव कर रहे हैं हम, ये काफ़ी टाइट होती है, हाथ से रिमूव नहीं होती है, इसलिए हम इसे कम्बिनेशन प्लायर से रिमूव करके देख रहे हैं। अभी हम इस DPT सेंसर को लेके जा रहा है, ये हमारा HU जो है ये डिसमेंटल हो गया है, इसीलिए DPT हम इसे रिमूव करके, और जहाँ पे जो जिस HU में DPT हमारा फॉल्टी है वहाँ पे जाके हम इसको इंस्टॉल करके वहाँ चेक करेंगे, ये हमारा DPT सेंसर सही है या फिर क्या ये भी फॉल्टी है। ओके, इसका हम नेक्स्ट वीडियो जो है, अगर इंस्टॉल हो गया और सही रही तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका प्रोसेस पूरा बताया जाएगा। ओके, थैंक यू, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।